Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को बिहार में महागठबंधन सरकार से कहा है कि वह राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करे। सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव जो सचिन अतुल अंजान ने मांग की है कि राज्य में बीजेपी के नेताओं के गलत तरीके से बनाई गई संपत्ति पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए ताकि इस धारणा को खारिज किया जा सके कि केवल विपक्षी दल ही भ्रष्ट। मीडिया से बातचीत करते हुए अतुल अंजान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि सार्वजनिक जमीन पर अतिक्रमण करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंधित निर्माणों की पहचान करें और उन्हें गिराए। अब बीजेपी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीपीआई ने नेता ने कहा कि अगर नीतीश और तेजस्वी ऐसा करने से रोकते हैं तो हमें इसे उनकी ओर से नैतिक साहस की कमी की रूप मिलेंगे। सीपीआई नेता ने कहा कि उनकी पार्टी अन्य वाम दलों यानी कि सीपीआईएमएल और सीपीआईएम से इतर राज्य कैबिनेट में शामिल होने के लिए अभी भी तैयार है। बता दें कि सीपीआईएमएल और सीपीआईएम ने कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अतुल अंजान ने कहा है हालांकि उनके अब तक इसको लेकर कोई प्रस्ताव नहीं मिला है और हम गठबंधन सहयोगियों के बीच एकता की कीमत पर मंत्री पद नहीं चाहते हैं। पीएम की उम्मीदवारी पर टाला सवाल, वही नीतीश कुमार को लेकर उन्हें कहा कि सीपीआई का मानना है कि वह देश में विपक्षी दलों के साथ एकता कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मेटले पर पूछे गए सवाल को टाल दिया। उन्होंने कहा कि जब हम पुल तक पहुंचेंगे तो उसे पार भी कर लेंगे। इस बच्चे के जन्म से पहले ही उसका नाम रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लालू यादव ने रोकी थी आडवाणी की रथ यात्रा। अंजान ने कहा कि कमजोर कांग्रेस ने बीजेपी को साहस दिया था और उसके अश्वमेध यज्ञ ने बिहार में रोका था। यह वो भूमि है जिसने आडवाणी की रथ यात्रा को रोका था और आरजेडी प्रमुख तत्कालीन सीएम लालू यादव ने अक्टूबर 1990 में समस्तीपुर में आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोक दी थी। वहीं बात करें तो सांप्रदायिकता पर चिंता जताई। सीपीआई नेता अंजान ने देश में सांप्रदायिकता का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो कि एक और पैगंबर की बदनामी और दूसरी सर तन से जुदा में प्रकट हो रही है। उन्होंने मोदी सरकार पर अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने और विदेशी मुद्रा भंडार रुपए में गिरावट की स्थिति में विंडो ड्रेसिंग में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीपीआई राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रतिबद्ध है। अंजान ने भुगतान संतुलन के लिए मोदी सरकार को दोषी ठहराया और पड़ोसी देश द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण किए गए श्वेत पत्र पर श्वेत पत्र लाने की चुनौती दी है। इस पर आपकी क्या राय है, इनके बयान से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.